हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आप सबको मेरा तिल खेती में इंसेक्टिसाइड्स यानी डिजीज को कैसा स्प्रे करता है, कैसा डालते हैं प्लांट्स में, वो दिखाने वाला है आप सब लोग को। दोस्तों तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। अगर किसी ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक। अभी थोड़ा डिजीज को मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये जो फ्लावरिंग हो रहा है वो सब गिर जाएगा। अगर ये फ्लावरिंग जो गिर जाने से इसमें फसल अच्छा नहीं होगा, तो उस कारण इस डिजीज को मारना ज़रूरी है ताकि इंसेक्ट्स को भगाने के लिए। 100 ml लिया है मैंने, 100 ml से एटलीस्ट 50 लीटर पानी से आप आराम से मार सकते हैं। तो अभी इसको ऐड कर देता है। लगभग इसका वेट 20 किलो 15 या 20 किलो सीसा है, बहुत ही भारी है। तो अभी इसको लेकर मैं पूरा तिल का खेती में पूरा मार देने वाला है ये डिजीज को, इन कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों मैं अभी पूरा तैयार हूँ इन कीड़े मकोड़ों को हमला करने के लिए। तो अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये डिजीज डालना बहुत जरूरी है, अगर डिजीज नहीं डालेगा तो पूरा ये जो फूल पकड़ रहा है ना, इसको गिरा देता है कीड़ा मकोड़े लोग। इसलिए इसको भगाने के लिए, कीड़े लोग को भगाने के लिए डिजीज मारना बहुत जरूरी है। और इसको मारने में फायदा यही है कि अच्छा से ये इसका बीज जो ग्रोथ हो सकता है ये मारने के बाद। तो ये मारने के लिए आया है मैं, थोड़ा लेट हुआ फिर भी कुछ नहीं, अभी भी समय है अच्छा से ग्रोथ करने के लिए ये तिल को। इसलिए आज पूरा इसमें पेस्टिसाइड्स मारने वाला हूँ मैं डिजीज, ताकि अच्छा से ग्रो हो सके ये। लगभग ये तेल का खेत एक पूरा जैसा है, तो इन सभी जगहों पर मैंने ये डिजीज को डाला है। दोस्तों अगर आप लोग ने अभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।